अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने इसे भाजपा और आरएसएस का अपना इवेंट बताया है। इसके बाद भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेसियों के मन में राम जी के प्रति विरोध है, वे इसे काल्पनिक मानते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का कहना है कि कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया, ये उनका इवेंट बन के रह गया है। इस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, ये दुर्भाग्य की बात है कि सोनिया गांधी के मन में, कांग्रेस के मन में श्री राम जी को लेकर विरोध है। वो कल भी राम जी को काल्पनिक मानते थे, वो आज भी काल्पनिक मानते हैं। देशभक्त के, पूरे देश के राम भक्तों को तो ये भरोसा था ही कि रामलला का मंदिर राम भक्तों द्वारा ही बनाया जाएगा। राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दी है, राजा राम की कृपा हुई है, फिर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। सोनिया गांधी जी हों या कांग्रेस के नेता हों या अन्य कोई राजनीतिक दल या अन्य सामाजिक क्षेत्र में या देश के व्यापारी या प्रतिष्ठित नागरिक जो भारत की भूमि में रहते हैं, भारत की संस्कृति और भारत में भरोसा करते हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने इस संदर्भ में सभी को निमंत्रण भेजा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सोनिया के मन में आज भी, कांग्रेस के मन में आज भी राम विरोध जो का तो है। वो कल भी राजा राम को काल्पनिक मानती थी, आज भी भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कांग्रेस को नहीं भारा, भगवान राम की प्रतिष्ठा कांग्रेस को नहीं भारी। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना चाहती है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना चाहती है। इसलिए हम सब कांग्रेसी मित्रों से यही प्रार्थना करते हैं कि जिसको भगवान राम का आशीर्वाद नहीं होगा वही तो अयोध्या नहीं जाएगा, वो अभागा होगा, वो भाग्यशाली नहीं होगा। और कांग्रेस के भाग में ना तो रामलला की भक्ति लिखी है, ना रामलला का दर्शन लिखा है, ना रामलला की सेवा लिखी है। और कांग्रेस वैसा ही कर रही है जैसे रावण ने राम विरोध करने की हट की थी, वैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि पर आज दिनांक आंदोलन और आंदोलन के बाद भव्य राम मंदिर का विरोध करने की हट धारण कर लिया है। पर इस हट का परिणाम यह होगा कि कांग्रेस पूरे देश से हट जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।